अर्ज किया है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का, नहीं मिलेगा कोई तर्क। अर्ज किया है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का, नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क। आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। मित्रों, अब तक आपकी क्लास काफी लंबी हो जाती थी, कम क्वेश्चन आप कर पाते थे, लेकिन अब आपकी सुपर फास्ट क्लास होने वाली है। आप एक दो मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और हम आपको इस 10 से 20 मिनट की वीडियो में बताएंगे कम से कम 5-6 प्रकार की ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, आप बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन अब आसान हो जाएगा, बिल्कुल आपकी क्लास का हुलिया जो है वो बदल चुका है। देखिए, सिंपल सी एक बात समझिए, जिस तरह एक पतला आदमी, पतला मतलब जैसे मैं, पतला आदमी ध्यान से समझिएगा, कम समय में, जिस तरह एक पतला आदमी कम समय में ज्यादा दौड़ेगा, उसी तरह एक मोटा आदमी ज्यादा समय में, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय में क्या करेगा, कम दौड़ेगा। सही है कि नहीं? अगर कोई हल्का है, पतला है, तो क्या करेगा वो, कम समय में ज्यादा दौड़ेगा, तेजी से दौड़ेगा। लेकिन अगर कोई मोटू है तो क्या करेगा वो ज्यादा टाइम लेगा लेकिन कम दौड़ पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये टाइम तो ज्यादा ले रहा है, जो मोटा आदमी है टाइम ज्यादा ले रहा है लेकिन काम कम कर रहा है, ये टाइम कम ले रहा है लेकिन काम ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि टाइम और वर्क जो होते हैं, यानी समय और कार्य, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनमें 36 का आंकड़ा होता है। समझ रहे हो ना? तो एक बात और यहाँ पर समझ लीजिएगा। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें जैसे दो लोगों की, मानते हैं एक है, देखिए कोई भी हो, यहाँ पर किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है, जैसे एक है रमन, ठीक है, और एक है मोहित। अब देखिए इन दोनों के बारे में हम आपको क्या बताने वाले हैं। रमन और मोहित, ये क्या करते हैं दोनों, मानते हैं चलिए ये सिलाई करते हैं। अब बताइए यहां पर है दिन यानी टाइम, यहां पर है कार्य। ये एक दिन में दो कपड़े सिलता है, कितना करता है, एक दिन में दो कपड़े सिलता है। तो और ये क्या करता है, थोड़ा सुस्त आदमी है, थोड़ा बेवकूफ टाइप का है, तो एक दिन में एक ही सिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टाइम तो कम ले रहा है, एक दिन में कितना बना रहा है, दो। ये क्या कर रहा है, टाइम तो ज्यादा ले रहा है लेकिन कम काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा दिन तो ये भी ले रहा है एक दिन, लेकिन ये एक ही बना पा रहा है। वैसे अगर 7 दिन की बात करें, 7 दिन नहीं, यहाँ पर आप 10 दिन की बात करिए, तो 10 दिन में कितना बनाएगा, 20 कपड़े बना लेगा, लेकिन ये 10 दिन में 10 ही कपड़ा बना पाएगा। मतलब समझिएगा, ये इसने 10 दिन का टाइम लिया लेकिन काम कितना किया, केवल 10 कपड़े, और इसने 10 ही दिन का टाइम लिया लेकिन काम कितना किया, 20 कपड़े बनाया। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम ज्यादा अगर हो रहा है तो काम कम हो रहा है, और टाइम कम काम ज्यादा। कहने का मतलब टाइम और वर्क जो है कभी बराबर नहीं हो सकते, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनमें 36 का आंकड़ा होता है। मतलब समझने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए, इसी तरह कार्य करने की क्षमता जो होती है वह भी वर्ग के बिल्कुल विरुद्ध होती है। कैसे, देखिए अगर पी और क्यू दो हैं, दो बंदे हैं, ये एक दिन में क्या करता है, एक दिन में ये कोई भी दो काम करता है, क्या करता है, मतलब समझिएगा यहां पर, अभी मैं बताने वाला क्या हूं, क्षमता, एक दिन में ये दो रोटी खा लेता है, मानिए चलिए खाने की बात बोलिए, एक दिन में ये दो रोटी खा जाता है, बट ये एक दिन में एक रोटी खा पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुई, इसकी इफिशियंसी मतलब ज्यादा है, एक दिन में दो खा जाता है बट ये एक ही खाता है, और इसमें टाइम की बात देखिए, टाइम मतलब समझिएगा, जब ये एक दिन में दो रोटी खा जाता है मतलब टाइम कितना लिया इसने, एक लिया, लेकिन अगर इसको दो रोटी खाना हो तो कितना टाइम लेगा, ये 2 दिन का टाइम लेगा ना। कहने का मतलब देखिए, जब टाइम और वर्क की कहीं इकट्ठा बात होती है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक दिन में दो खा जाता है और ये एक दिन में एक ही खा पाता है, और ये क्या करता है, टाइम कितना लेगा फिर, एक दिन में दो खाता है, एक दिन में दो, तो ये 2 दिन में एक खाएगा ना, 2 दिन में एक नहीं, सॉरी, मतलब अगर इसको दो खाना हुआ तो 2 दिन का टाइम लगेगा इसको ना। समझ गए ना? क्योंकि ये एक दिन में केवल एक खा पाता है, एक दिन में एक खा पाता है।
समझ गए ना? नहीं समझ में आया भाई? अगर ये एक दिन में दो रोटी खा जाता है तो दो दिन में चार खाएगा, लेकिन ये क्या करता है, ये बंदा एक दिन में एक ही खा पाता है। मतलब अगर इसको दो खाना हुआ तो कितना टाइम लगेगा, दो दिन का टाइम लगेगा। कहने का मतलब जो क्षमता होती है कार्य करने की वो भी एक दूसरे के बिल्कुल अलग होती है। मतलब कार्य और उसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता बिल्कुल अलग अलग होती है, अपोजिट। यहाँ पर बात करें अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पर आर है, ये कोई व्यक्ति है, ये किसी काम को 15 दिन में करता है। किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो एक दिन का काम कितना होगा, जल्दी से बताओ, एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 डब्लू। समझ गए ना? अगर एक दिन में कोई काम को 15 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। तो ये था। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। अब आपके क्वेश्चन सेकंडों में हल होंगे, ध्यान दीजिएगा। सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा डी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। कौन करता है? डी इसे 15 दिन में करता है। तो कह रहा है अगर दोनों मिल जाए, एक साथ गठबंधन कर लें, तो कितना दिन में कर डालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले आप समझिए। सी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और डी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो ये बताइए, सी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1/10। और डी के द्वारा किया गया कार्य 1/15। हमने अभी आपको बताया कार्य जो है वो समय का जस्ट उल्टा होता है। तो भाई दोनों को मिला दो प्रश्नानुसार। चलिए इधर मिला देते हैं, कौन कौन है, सी और डी। तो दोनों को मिला देते हैं, सी धन डी इक्वल, इनका दोनों का कार्य भी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया इतना, है ना, इसको हल कर लो। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम आप जानते हैं, निकाल करके देख लीजिएगा भाई, ये भाग ना पाए, 30 होगा। और 30 में जब आप भाग दोगे तो 3 आएगा और ये आएगा 2। इस तरह से इसे आप हल करोगे जब फाइनल में, तो ये हो जाएगा 6/30 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/30 सॉरी। तो 5 × 5 = 5, 5 × 30 1/6 आया। कितना आया? 1/6 कार्य। ये क्या आया? कार्य। अभी हमने आपको बताया कार्य और समय जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर 1/6 कार्य ये लोग मिलकर के करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 6 दिन। समझ गए ना? यानी 1/6 का जस्ट उल्टा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, अलग टाइप का। दूसरा सवाल देखने से पहले इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। जैसे कि हमने बताया सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है और डी जो है वो उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब दूसरा मेथड देखिए, बहुत ईजी है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 30 आया, है ना, 30 आया। जब 15 से भाग दोगे तो क्या आएगा भाई, 15 से भाग दोगे 2 आएगा, और ये 10 से भाग दोगे 30 में तो 3 आएगा, है ना, क्लियर। अब क्या करो, ये सभी एक दिन के कार्य हैं, जोड़ दो तो 5 हो गया। मतलब ये 5 कार्य करेंगे कितना में, एक दिन में। यानी दोनों मिल जाएंगे तो 5 कार्य एक दिन में करेंगे। 5 कार्य का मतलब मान लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 कपड़े सिलेंगे। क्या करेंगे, एक दिन में 5 कपड़े सिलेंगे, और कुल इनको कितने कपड़े सिलना था, टोटल 30 कपड़े सिलना है। ये कुल कार्य है, कुल कार्य मतलब कुल इनको 30 कपड़े सिलना था, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कपड़े बना रहे हैं। तो भाई ये 30 कपड़े हैं तो कितना दिन लगेंगे, अरे 30 को 5 से भाग दे लो, ये देखो 5 × 6 = 30, 6 दिन आया ना। ये था सेकंड मेथड। बताइए जल्दी से कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा, पहला या दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप का ये सवाल आप लोग करेंगे मात्र 10 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा। कह रहे थे पी और क्यू दोनों मिलकर के कोई काम को 15 दिन में करते हैं, यानी पी और क्यू दोनों मिल जाते हैं तो काम कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और क्यू इस काम को अकेले 20 दिन में करता है। क्यू क्या करता है, इसी काम को करने में 20 दिन का टाइम लेता है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, तो कह रहा पी अकेले कितना दिन में करेगा। जैसे कोई काम को आप और हम दोनों लोग मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, और हम उसको अकेले उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो ये बताना है कि बताइए आप उसे अकेले कितना दिन में करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 15 × 20 का एलसीएम 60 आएगा। जब आप 15 से भाग दोगे किस में, 60 में, तो क्या आएगा, 4 आएगा। और जब 20 से भाग दोगे 60 में तो क्या आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब ये कुल कार्य है। मान लेते हैं कि कुल क्या कर रहे हैं ये लोग,
चलिए ये मान लीजिए कि कॉपी लिख रहे हैं, 60 पेज कॉपी लिखना है, मतलब दोनों को मिलकर के कितना करना है, 60 पेज कॉपी लिखना है। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, 60 पेज लिखना है। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं ए और बी, मतलब कुल मिला के समझिएगा कार्य कुल 60 है, यानी कोई भी काम है, मानते चलिए कुर्सी बनाना है तो 60 कुर्सी बनाना है, ठीक है टोटल। तो ये दोनों मिलकर के कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं, दोनों मिलकर 4 बनाते हैं। और ये बी जो है ये अकेला कितना बनाता है, ये 3 बना रहा था, इसका मतलब बी अकेले 3 बना रहा था, दोनों मिल गए तो ये 4 बना रहे थे। तो भाई ये पहला वाला जो बंदा था पी कितना बना रहा था, अरे इसमें से घटा लो ना 3, 1, यानी ये जो पी है वो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा था, और टोटल अगर 60 बनानी है तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन, समझ गए ना। तो ये हुआ आपकी एक बेहतरीन ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी सही, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मोहन और सोहन दो बंदे हैं, ध्यान दीजिएगा मोहन सोहन के बारे में क्या है यहां पर बात। मोहन सोहन से 2 गुनी गति से कार्य करता है, मतलब उसका वो डबल है, और दोनों मिल करके कोई कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में मिल करके कोई काम को करते हैं, यानी मोहन की जो क्षमता है क्या है, सोहन से 2 गुना है, मोहन की 2 गुना है किससे, सोहन से। दोनों मिल करके कोई काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करते हैं, ठीक क्लियर। तो कह रहा है कि मोहन उसे अकेले कितना दिन में करेगा, तो अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है किससे, किससे गुणा करना है, दोनों के अनुपातों को जोड़ करके गुणा कर देना है, और जिसका निकालना है उसके अनुपात से भाग कर देना है। जैसे हमें मोहन का निकालना है तो पहले 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 12, और इस तरह से आप पा जाओगे कितना दिन, 18 दिन, यानी कि मोहन अकेले उसे 18 दिन में करेगा, जो कि वो दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे थे। अगर सोहन की बात आए तो सोहन कितना दिन में करेगा, सोहन को देखिए ये आप 12 से तो गुणा करोगे और 3 में, लेकिन भाग किससे करोगे, सोहन वाला अनुपात कितना है, 1 है, तो इस तरह से आपका ये कितना हो जाएगा, 36 दिन। अब यहां सिद्ध भी हो गया होगा कि सोहन 36 दिन ले रहा है, मोहन उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, यानी ये आधा टाइम में 2 गुना काम करता है उसका, सिद्ध हो गया ना कि 2 गुनी गति से कार्य करता है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, सुपर फास्ट ट्रिक, चौथा टाइप का सवाल। इस तरह के सवाल को करने के लिए मात्र आपके लिए 15 सेकेंड, जी हाँ, अमन कोई कार्य को अकेला 18 दिन में करता है तथा ब्रिजेश उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, लेकिन अफसोस ब्रिजेश ने उस कार्य को केवल 10 दिन किया और छोड़कर भाग गया, फरार हो गया। तो कह रहा है कि बेचारा जो अमन बच रहा है वो अकेले उस काम को कब तक पूरा करेगा, मतलब जब दोनों मिलकर काम करते थे तो 18 दिन में करते थे, सॉरी अकेले जो अमन है 18 दिन में करता था, ब्रिजेश उसे 15 दिन में करता था, लेकिन ब्रिजेश आधा काम करके भाग गया 10 दिन में, तो फिर जो बचा काम है अमन कब तक उसे पूरा करेगा, आइए देखते हैं। देखिए अमन कोई काम को कितना दिन में कर रहा था, 18 दिन में, बी से मतलब ब्रिजेश ये कर रहा था कितना दिन में, 15 दिन में। अब देखिएगा ध्यान से, यानी इन दोनों का काम कितना था, दोनों को जो काम करना था कितना था, इसका दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 90 आएगा, कहने का मतलब कुल कार्य कितना था, 90 था। ये मान लीजिए कि ये लोग क्या करते थे, चलिए मानते लकड़ी काटते थे, तो कुल इन सबको कितना करना था, 90 लकड़ियां काटना था, 90 लकड़ियां दोनों को मिलकर के काटना था। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको 15 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6, इसको 18 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5, है ना, समझ में आया, मतलब समझिएगा 15 × 90 और 18 × 5 = 90, लेकिन ये इसके सीधे सीधे लिखिए ज्यादा सही रहेगा, 18 × 5 = 90 और ये 15 × 90, हमने 6 और 5 कहां से पाया, जब 5 से भाग दोगे 90 में तो 6 आएगा, 18 से भाग दोगे 5 में तो, सॉरी 90 में तो 5 आएगा, यानी कुल कार्य कितना था, 90 लकड़ियां काटना था, जो ब्रिजेश था वो क्या करता था, एक दिन में 6 लकड़ी काटता था, ये एक दिन का है, एक दिन में, और ये अमन जो है वो एक दिन में कितना करता था, 5 काटता था। तो भाई एक दिन में ये 6 काटता है और 10 दिन काम करके भाग गया, तो 10 दिन में कितना काटा होगा, 10 दिन में ये 10 × 60 काटा होगा, 60 काटा होगा,
और 60 काट के भाग गया तो बचा कितना, टोटल 90 काटना था, 60 काट के भाग गया ये, तो कितना बचा 30। 30 लकड़ी काटनी है अभी, अमन अकेले एक दिन में 5 लकड़ी काटता है, तो 30 लकड़ी को कितना दिन में काटेगा, 6 दिन में। ये लो हो गया ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें बड़ा बदलाव, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, कोई काम है जिसका 1/2 भाग यानी आधा भाग वो 5 दिन में कर रहा है, तथा बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी जो है वो इसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो तीनों मिल जाए अगर तो ये काम कितना दिन में हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको। देखो भाई सिंपल सी बात है, ए जो है वो इधर साइड में दिख रहा है ना, ए उस काम का 1/2 भाग कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, 1/2 भाग 5 दिन में, यानी आधा काम वो कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में, 1/2 मतलब आधा होता है सभी लोग जानते हो, तो ए अपना काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, पूरा काम कितना दिन में करेगा, ए 10 दिन में करेगा ना, क्योंकि आधा है कर रहा है वो, आधा 5 दिन में कर रहा है तो पूरा 10 दिन में करेगा, यानी आप समझ गए क्या समझ गए। देखिए जो 1/2 काम था वो कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में, तो यानी कि वो पूरा काम कितना करेगा, कितना दिन में, 10 दिन में, यानी 2/5, इसको आप 2/1 कर लेंगे यानी पलट देंगे। उसी तरह से अगर बी का निकालें तो बी का निकालें, बी क्या करता है 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो इसको भी लिख लो भाई, ये 3/5 भाग कितना दिन में, 9 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, इसको पलट दोगे ये 5/3 गुणा हो जाएगा 9, यानी 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, पूरा काम 15 दिन में करेगा। आगे देखिएगा, बस देखते रहिएगा। चलो भाई आगे आते हैं दूसरे पे, सी वाला हो गए, अब देखते हैं। देखो सी क्या करता है, 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है, 2/5 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, इसको पलट दो, 2/5 को 5/2 गुणा 8, ये 2 × 8, 5 × 4 कितना, 20। मतलब समझिएगा यहां पर कहने का मतलब क्या है, 2/5 भाग, जी हाँ 2/5 भाग ही तो दिया है ना, हाँ जी बिल्कुल 2/5 भाग। तो देखिए कितना दिन में करेगा, देखिए ये क्वेश्चन में जो है यहां पे 3 है, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, 3 है तो 2/3 भाग है वो, 2/5 भाग नहीं है, तो इसे आप क्या करोगे, यहां पर आप 2/3 बना लोगे, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है, 2/3 का 3/2। अब सही है, 2 से कटेगा 4 आएगा, 3 × 4 = 12, यानी जो सी है वो कितना दिन में करता है, 12 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है हमको, इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है, सभी को एलसीएम, जब आप सभी का एलसीएम करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। कहने का मतलब कुल काम कितना करना था, 60 काम करना था, टोटल कितना करना था, 60 काम करना था, जिसमें से अब देखिए अलग अलग सबका निकाल देते हैं, ए का कितना हो जाएगा 6, क्यों, क्योंकि 10 से भाग दोगे 6 आएगा, बी का 15 से भाग करो 4 आएगा, सी का 12 से भाग करो 5 आएगा, सबको जोड़ दो 6 × 4 = 10, 5 कितना, 15। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के ये जो तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या करना है इन सबको, दरवाजे तैयार करने हैं, दरवाजे बनाने हैं, तो एक दिन में ये कितना दरवाजा बनाता है, 6 बनाता है, एक दिन में बी 4 दरवाजा बनाता है, सी एक दिन में 5 दरवाजा बनाता है, तीनों मिलकर के एक दिन में 15 दरवाजे तैयार करेंगे, और इन सभी को टोटल कितने दरवाजे बनाने हैं, टोटल 60 दरवाजे बनाने हैं, तो एक दिन में तीनों मिल जाएंगे तो 15 बनाएंगे, तो 60 बनाने में कितना दिन लगेगा, 15 से भाग दे लो 4 दिन, यानी कि वो काम कितना दिन में पूरा कर जाएंगे, मात्र 4 दिन में। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो तुरंत लाइक करें, देर ना करें। अगला प्रकार का सवाल, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, एक बंदा है जो कि कोई काम को करने में 12 दिन लेता है,
और बी उसका साथी है जो उसका भी क्या है अंकल है, वो कार्य करने में 60% अधिक कार्य कुशल है ए से, ए की तुलना में। तो बताइए कि जो बी है यानी कि दूसरा बंदा, वो इस काम को कितना दिन में करेगा। ऑप्शन है आपके सामने, देखिए ए कोई काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। तो ए के द्वारा किया गया कार्य एक दिन में कितना होगा, उसी का जस्ट उल्टा 12 का, 1/12 कार्य करेगा, सिंपल सी बात है। तो बी कितना काम करेगा, बी जो है ए का 60% अधिक ज्यादा बुद्धिमान है, तो बी का काम हो जाएगा 1/12 का 60%, यही तो होगा ना, 1/12 का क्या हो जाएगा 60%। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कुछ अलग तरह का आप करेंगे, 60% ना, उससे 60% अधिक कार्य कुशल है। कहने का मतलब ये तो आप कर लिए, लेकिन ये तो 100% कर ही रहा था, उस 100 का वो 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी वो 160% अधिक कार्य कुशल, मतलब टोटल काम होगा, नहीं समझ रहे हो क्या कह रहा है, 60% अधिक कार्य कुशल है बी, लेकिन ए भी तो 100% है ना। तो इसको आप ऐसे करोगे, इस तरह से आपका आएगा ये 160 और ये 100 गुणा ये 12 कर लोगे, आया समझ में कि नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे उल्टा काय कर दिया भाई, तो उल्टा ना करो, इसको सीधा ही कर लो, ये 1/12 गुणा 160, 50 हटाओगे 100 से भाग करोगे, 0 से 0 कट गया, अब इसे आप 2 से काटोगे तो 5 10 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 2 4 8 2 6 12, इस तरह से 6 5 30 कितना आया, 4/30, 4/30 क्या आया, कार्य आया। आपको दिन निकालना है, दिन उसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो बी का जो टाइम लगेगा वो 30/4 लगेगा, आप इसको भाग दे लोगे तो कितना आएगा, 4 7 28 और 2 आएगा, यानी 7 सही, 1/2, समझ में आया ना। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, इसमें से ये ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, नोट कर लीजिए। देखिए इसको चाहे तो हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ये लो 30, 4 से भाग दो, 4 7 28, ये दो कितना आया, कितना आया, 2 आया ना, 7 सही 2/4 आएगा। जब आप 7 सही 2/4 को लिखोगे, काट दोगे, तो ये क्या आएगा, 7 सही 1/2 ये 2 आएगा, है ना, 7 सही 1/2% आया। इस तरह से आप समझ गए होगे। कैसी लगी आपको ये टिप, जल्दी से इसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह अपने मित्रों को शेयर करें और बताएं कि पीबीआर स्टडी की जो ट्रिकी मैथ है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, फिर से अगली क्लास में मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। देखते रहें और दिखाते रहें पीबीआर स्टडी।